Good morning to all. Welcome back to our online class. This is Zoya Akhtar, your science teacher. And children, I'm again here with a new topic, with a new chapter, that is chapter number 14 from your science book, Clothes We Wear. As you can see on your screen that I have opened your chapter number 14, Clothes We Wear. It means in this video, in this chapter, we are going to learn about our clothes and our clothes fabrics. Why should we need clothes? Why have to we wear clothes? And what is the reason behind it that we are wearing different type of clothes in the different type of season? It means इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लॉथेस के बारे में, किस फैब्रिक से वो बने होते हैं, क्यों ज़रूरी है क्लॉथेस को पहनना, और अलग अलग सीजन्स में अलग अलग टाइप के क्लॉथेस को हम लोग क्यों कैरी करते हैं. तो इट मीन्स दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो बी careful and listen the video, listen the audio and watch the video very carefully. So first of all, you have to read these conversation between teacher and Kamala Ravi. There are three characters in this chapter, teacher, Kamala and Ravi. ये तीन लोग हैं जिनके बीच में conversation चली है about this topic, about the topic of क्लॉथेस. ठीक है, तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इन तीनों के बीच में क्या conversation चली. Like first of all, the teacher said, Hello kids, today let us learn about the clothes that we wear. Before starting the lesson, let me ask you one question, why do we wear clothes? Teacher अपने बच्चों से कहता है कि मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्या clothes के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से question करना चाहता हूँ कि हमें clothes पहनना ज़रूरी क्यों है. Like it, I'm also asking you to all that why do we wear clothes? मैं अभी आप सबसे यही पूछ रही हूँ कि आप लोग बताएं सबसे पहले कि आप लोगों को वेयर करना, कैरी करना क्लॉथेस को क्यों ज़रूरी है. देन समथिंग इन योर माइंड, कुछ तो आया होगा ना दिमाग में आपके. तो चलिए जो भी आया है देखते हैं कि इसमें से कमला ने क्या रिप्लाई दिया. वी नीड क्लॉथेस टू प्रोटेक्ट आर सेल्फ फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. कमला बताती कि मुझे हम लोगों को पहनना है ज़रूरी कपड़ा इसलिए क्योंकि हम लोग हीट और कोल्ड से बचना चाहते हैं, या हम अपने आप को बचाने के लिए पहनते हैं. रवि कहता है वी नीड टू वेयर क्लॉथेस टू कवर आवर बॉडी, इट इज़ आवर बेसिक नीड. रवि बताता है कि हमें अपनी बॉडी को कवर रखने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि हमारा बेसिक नीड है. टीचर कहते हैं गुड, यू ऑल आर करेक्ट. ठीक है, यू आर ऑल करेक्ट. नाउ लेट अस लर्न मोर अबाउट क्लॉथेस. ये आप लोगों के भी दिमाग में ये सारी बातें आई होंगी कि हमें कवर करना है, हमें छोटे मोटे कीड़े वगैरह ना काटें, हम डस्ट से अपने आप को सेफ रखें, रेन से सेफ रखें, धूप से सेफ रखें, हवाओं से सेफ रखें, ठीक है, ठंडक से सेफ रखें, इसीलिए कपड़े पहनते हैं. ये सभी के माइंड में आए, लेकिन कपड़ों के बारे में कुछ और भी बेसिक नॉलेज है जो आपको जानना चाहिए. तो लेट अस स्टडी दिस चैप्टर. Many many years ago, when man lived in a cave, he used animal skin and dried leaves to cover himself. बहुत 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 सालों पहले जब लोग गुफाओं में रहा करते थे तब वो यूजुअली एनिमल के स्किन को यूज़ करते थे और पत्तियों की, सूखी पत्तियों को ऐसे छाल बना के उसको कवर करते थे अपनी बॉडी को. ग्रेजुअली विद द पासेज ऑफ टाइम मैन स्टार्टेड वेयरिंग क्लॉथेज मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल. धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बदलता गया वैसे वैसे स्टार्ट किया लोगों ने अपने नीड के अकॉर्डिंग क्लॉथेस के अलग अलग मटेरियल से बने हुए क्लॉथेस का. ठीक है, तो चिल्ड्रन डू यू नो हाउ आर क्लॉथेस मेड, क्या आपको पता है कि कपड़े कैसे बनते हैं? नो, देन आई एम गोइंग टू टेल यू. क्लॉथेस आर मेड थ्रू वीविंग एंड टेलरिंग एंड नाउडेज विद द हेल्प ऑफ हाईटेक मशीन्स. ठीक है, कपड़े बनाए जाते थे पहले तो बुनकर, टेलरिंग करके, ठीक है, सिलकर, लेकिन आज के ज़माने में मशीनरीज का ज़माना है भाई, मशीन्स बड़े बड़े आ चुके हैं, तो मशीन से, हाईटेक मशीनों से भी कपड़े बनाए जाते हैं. ऑल दीज आर पॉसिबल ओनली विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस. और ये सभी पॉसिबल तभी हुआ है हमारे साइंस के डेवलपमेंट के वजह से. अगर साइंस डेवलप नहीं हुआ होता तो मे बी कि हम लोग ऐसे काम नहीं कर पा रहे होते. देन आफ्टर क्लॉथ इज़ फॉर डिफरेंट सीज़न. मैंने अभी आपसे बताया था ना कि अलग अलग सीज़न में हम लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं. ठीक है, जैसे अभी इस टाइम ठंडक चल रही है तो हम लोग कपड़े पहनते हैं वुलन के, गर्मी में कॉटन के. तो क्यों ऐसा होता है? वी नीड क्लॉथेज ऑल द टाइम. इन डिफरेंट सीजन वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेज. इन समर वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथेज विच हेल्प द हीट ऑफ आवर बॉडी टू एस्केप. लाइट कलर्ड क्लॉथेज रिफ्लेक्ट द लाइट एंड हीट एंड कीप आवर बॉडी कूल.
देखिए, हम लोग गर्मी में हल्के कलर के कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? बिकॉज वो हमारे स्वेट को अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है, और जो हीट है उससे हमें बचाता है। कॉटन कपड़े की एक खासियत है, ये क्वालिटी है कि वो हमारे जो हीट आ रहा है ना सन से, उसको अब्सॉर्ब नहीं करता, ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वो अब्सॉर्ब आसानी से नहीं करता और हमें कूल रखता है अंदर से। इसलिए हम कॉटन के कपड़े गर्मियों में पहनते हैं, जबकि इन विंटर वी वियर वोलन क्लॉथेस, स्वेटर्स, ब्लेजर्स, वोलन कैप्स एंड मफलर्स। ठंडकों में हम लोग क्या करते हैं? स्वेटर्स पहनते हैं, वोलन मफलर पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, ठीक है, वोलन कपड़े पहनते हैं। वोलन क्लॉथेस एंड सिल्क क्लॉथेस कीप अस वार्म इन द विंटर। हम लोग विंटर में इसलिए पहनते हैं क्योंकि इनके पास ये क्वालिटी है कि ये अंदर से हमें गर्म रखते हैं। If we have to go out in rain, we should take umbrellas. अगर हमें बाहर बरसात में जाना हो तो हमें जाहिर सी बात है या तो रेन कोट पहनना पड़ेगा या तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। Which are made up of plastic material that are totally non-porous and waterproof. जो कि बनता किससे है? ये सब बनते हैं प्लास्टिक के मटेरियल से, waterproof मटेरियल से, ठीक है, जिसकी वजह से पानी अंदर नहीं अब्जॉर्ब होता और सरक कर बाहर गिर जाता है, ठीक है। क्लॉथ इज फॉर डिफरेंट वर्क्स। अच्छा, अलग अलग वर्क के लिए, अलग अलग प्रोफेशन के लिए वी हैव सीन दैट वी आर यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिफॉर्म। ओके, हम लोग अलग अलग जॉब में अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। लाइक आपके पास यूनिफॉर्म स्कूल का स्टूडेंट वाला है, टीचर्स के पास अलग अलग टाइप के यूनिफॉर्म्स होते हैं, लाइक साड़ी है, ठीक है, और पुलिस ऑफिसर है तो उनका अलग एक यूनिफॉर्म होता है। तो अलग अलग जॉब के अकॉर्डिंग भी हम अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट पीपल एट वर्क, ड्राइवर, सोल्जर, नर्स, पायलट, पुलिसमैन, इंजीनियर, स्कूल यूनिफॉर्म, डॉक्टर, इन सब के पास एक अलग अलग टाइप का कपड़ा होता है। देन आफ्टर डिफरेंट क्लॉथेज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ अ डे। जैसे अगर दिन में ही एक ही इंसान कई तरीके का कपड़ा पहनता है, ठीक है, चलिए हम लोग चेक करते हैं कैसे। अर्ली मॉर्निंग आफ्टर टेकिंग बाथ यू वियर स्कूल यूनिफॉर्म एंड गो टू स्कूल। सबसे पहले जब सुबह सुबह आप उठते हो तो नहाने के बाद आप यूनिफॉर्म पहनते हैं स्कूल जाने के लिए। देन आफ्टर कमिंग बैक यू चेंज इट एंड वियर लूज एंड कम्फर्टेबल क्लॉथेज। वहाँ से जब हम लोग आते हैं वापस, आप लोग आते हैं वापस, तो क्या करते हैं? चेंज करके कोई कम्फर्टेबल लूज कपड़े पहनते हैं। वैन यू गो आउट टू प्ले यू चेंज अगेन टू स्पोर्ट्स शूज एंड टी शर्ट्स एंड स्पोर्ट ड्रेसेस। जब आप कभी प्ले करने जाते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग का यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, जो कि स्पोर्ट्स ड्रेस होता है, स्पोर्ट्स का शूज़ होता है। वैन यू गो टू अ पार्टी यू वियर अ पार्टी ड्रेस। अगर आपको उसी दिन कहीं घूमने किसी के पार्टी में जाना है तो आप पार्टी का यूनिफॉर्म पहनेंगे, पार्टी वियर कोई कपड़ा पहनेंगे। एट नाइट वैन यू हैव टू स्लीप यू वियर अ नाइट ड्रेस एंड स्लीप। फिर आपको जब सोना होता है तो आप चेंज करते हैं और नाइट सूट पहन के सोते हैं। तो एक ही इंसान एक ही दिन में कई तरीके के भी कपड़े पहनता है, अलग अलग ओकेजन के अकॉर्डिंग। देखिए, पीपल वियर डिफरेंट ड्रेसेज इन डिफरेंट प्लेसेज ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। लाइक अमेरिकन ड्रेस, देखिए अमेरिका में ऐसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है। ये देखिए पंजाबी की ड्रेस, फिर है जापानीज ड्रेस, ठीक है, साउथ इंडियन ड्रेस एंड अफ्रीकन ड्रेस। और आपको पता है इंडिया में ज़्यादातर लोग क्या पहनते हैं? साड़ी वगैरह कैरी करते हैं, ठीक है। हाउ इज़ क्लॉथ मेड? सबसे बड़ा सवाल यही कि कपड़े बनते किस चीज़ के हैं। एज यू नो दैट क्लॉथ इज़ मेड फ्रॉम फाइबर्स। कपड़े बनते हैं फाइबर्स से, रेशे से बनते हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। दो टाइप के फाइबर्स हमारे पास पाए जाते हैं, जो कि हैं नेचुरल और सिंथेटिक, ठीक है। नेचुरल फाइबर क्या होता है? बहुत ही सिंपल सा बात है, जो नेचुरली प्रोवाइड होता है उसको हम नेचुरल फाइबर कहते हैं। अच्छा, नेचुरली हमें मिलेगा कहाँ से? या तो वो प्रोवाइड होता है बेटा प्लांट से या तो फिर एनिमल से, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कॉटन, कॉटन से देखिए जूट प्लांट, कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है, जूट प्लांट से जूट मिलता है, फ्लैक्स प्लांट से लिनन मिलता है, ठीक है। ये सब हम लोगों को मिलता है नेचुरली फ्रॉम प्लांट। देन आफ्टर विच फाइबर वी आर गेटिंग फ्रॉम एनिमल, दीज आर ऑल्सो नेचुरल। जो हम लोगों को एनिमल से मिलता है वो भी आपका नेचुरल ही है, लेकिन वो एनिमल से मिलने वाला है। लाइक सिल्क मोथ सिल्क मिलता है, शीप से वूल मिलता है, तो ये जानवरों से प्रोवाइड होता है, इसीलिए ये जानवरों से मिलने वाला फाइबर है, लेकिन है नेचुरल, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर जो इंसानों ने बनाया हो बेटा, सिंथेटिक का मतलब ही होता है मेड बाई मैन, ठीक है, जिसको इंसान ने खुद अपने मटेरियल्स को और चीज़ों को इस्तेमाल करके, केमिकल्स का इस्तेमाल करके बनाया हो, वही कहलाते हैं हमारे
सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स लाइक नाइलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर्स। ये सारी चीज़ें सिंथेटिक होती हैं। दीज आर नॉन पोरस, वाटर प्रूफ एंड दे ड्राई फास्टर दैन द नेचुरल फाइबर। हाँ, इसके पास ये क्वालिटी तो बहुत अच्छी है कि ये नॉन पोरस होते हैं, इसके अंदर वाटर नहीं जाता, ये वाटर प्रूफ होते हैं, ठीक है, और ये जल्दी से आसानी से ड्राई हो जाते हैं, ये इसकी खासियत है। बल्कि कॉटन वॉटन का कपड़ा, जूट का कपड़ा अगर आप फैला दो तो थोड़ा सा टाइम लेता है इसके अकॉर्डिंग। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लॉथेस? क्लॉथेस का इम्पॉर्टेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में क्लॉथेस का, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं हमें हीट से, रेन से, डस्ट से, कोल्ड से। यही हमें स्मार्ट बनाते हैं, ये हमारे बॉडी को कवर भी करते हैं, ये हमें इंसेक्ट से बचाते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द जॉब ऑफ अ पर्सन। अगर डिफरेंट काइंड के पर्सनस लोग, जॉब करने वाले लोग डिफरेंट काइंड का यूनिफॉर्म ना पहने तो हम लोग इजिली नहीं जान पाएंगे कि कौन कौन सा जॉब कर रहा है ना। तो ये हमें आइडेंटिफाई कराने में भी बहुत मदद करते हैं। केयर फॉर क्लॉथेस, इफ़ यू हैव सो मेनी टाइप ऑफ केयर क्लॉथेस देन हाउ विल यू केयर फॉर इट? ओके, आपको अगर आपके पास कई टाइप के कपड़े हैं लाइक वुलन कपड़े हैं, ठीक है, कॉटन कपड़े, तो आप इसकी केयर कैसे कर सकते हो? ठीक है, वी ऑल वॉन्ट टू वेयर क्लीन एंड ड्राई क्लॉथेस टू स्टे हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए हम सभी चाहते हैं कि हमारे कपड़े हमेशा क्लीन रहें, ड्राई रहें। फॉर दिस वी हैव टू चेंज आर क्लॉथेस एवरी डे एंड वॉश द डर्टी वंस इन क्लीन वाटर यूजिंग अ गुड डिटर्जेंट। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हर रोज़ कपड़े चेंज करके जो गंदा वाला है उसको सही किसी अच्छे डिटर्जेंट से वॉश कर देना चाहिए। वॉश्ड क्लॉथेस मस्ट बी ड्राइड इन ब्राइट सनलाइट। और जो गीले कपड़े हैं उनको आप तेज़ धूप में या अच्छी जहाँ पे धूप आ रही हो वहीं पे सुखाएं, ठीक है। उससे क्या होता है ना, पानी पूरा का पूरा एवोपोरेट हो जाता है, तो आपके कपड़े आसानी से सूख भी जाते हैं और उसमें से महक भी चली जाती है। सन रेज किल सर्टेन जर्म्स। हाँ, सन रेज के पास कुछ अच्छी क्वालिटीज़ वाले रेज होते हैं जिनकी वजह से जो जर्म्स उस पर लगे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं एंड मेक देम जर्म्स फ्री। वॉश्ड क्लॉथेस मस्ट बी केप्ट इन द अलमीराज आफ्टर ड्राइंग। और सूखने के बाद उनको सूखे कपड़ों को आपको ले जाके किसी अच्छी जगह अलमीरा में रखना है। वूलन एंड सिल्क क्लॉथेस शुड बी ड्राई क्लीन एज दे नीड स्पेशल केयर। अच्छा, वूलन कपड़ों और सिल्क कपड़ों को एक छोटा सा स्पेशल केयर चाहिए होता है, इसीलिए इनको अगर आप ड्राई क्लीन करा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वूलन एंड सिल्क क्लॉथेस शुड बी स्टोर्ड वेरी केयरफुली। इन सभी कपड़ों को आपको बहुत केयरफुली रखना है। द वॉश क्लॉथेस शुड बी लेफ्ट इन हॉट सन फॉर फ्यू आवर्स एंड देन स्टोर्ड अलॉन्ग विद सम मॉथ बॉल्स, नैप्थलीन बॉल्स और ड्राइड नीम्स लीव्स विच एक्ट एज डिसइनफेक्टेंट्स एंड प्रिवेंट द क्लॉथेस फ्रॉम द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स। इफ द क्लॉथेस आर टेकन केयर प्रॉपरली वी कैन यूज देम फॉर सेवरल ईयर्स। अच्छा, सपोज दैट अब ठंडक खत्म होने वाली है तो आप लोग क्या करते हो? अपने स्वेटर वगैरह को कहीं स्टोर करके रखते हैं, लेकिन ये याद रहे स्टोर करने से पहले आप अपने कपड़ों को ईजिली ले जाके कहीं अच्छी जगह धूप जहाँ आती हो वहाँ रख दें, 2-4 घंटे के लिए वो बिल्कुल जर्म्स फ्री हो जाएंगे। देन आफ्टर जब आप उसको कैरी करने चलें अलमीरा में कहीं रखने चलें तो उसमें कुछ नेप्थलीन बॉल्स आते हैं, मोथ बॉल्स आते हैं या सूखी नीम के पत्तियों को भी रख देंगे तो उसमें कभी कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। फिर आप उसको ईजिली कहीं भी कंफर्टेबल होके रख सकते हैं, ठीक है, वो कभी ख़राब नहीं होगा, उसमें चींटियां वगैरह भी नहीं लगेंगी, कोई भी जर्म्स जो है उसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है अपने कपड़ों को स्टोर करने का और इसको केयर करना भी कहते हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। वेरी गुड डे, बाय बाय।